नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के तेवरों से घबराई बीजेपी की, संसद में घिरी मोदी सरकार की, देखेंगे योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके को, बिल लटकाने पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को, जानेंगे अग्निपथ योजना पर कैसे एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आए पीएम मोदी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले केशव मौर्य बीजेपी हाईकमान का बने मोहरा, डिप्टी सीएम दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है, यूपी सरकार ऐसे नहीं चलेगी। 31 जुलाई तक बढ़ी मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत, कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया और के कविता। विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा इंडिया, स्मृति मंधाना ने जड़ा अर्धशतक, बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर 9वीं बार फाइनल में बनाई जगह। शेयर बाजार में हरियाली, 1292 अंकों की उछाल के साथ 81,332 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 428 अंकों की भारी बढ़त के साथ 24,834 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल की पेशी हुई। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर करारा हमला बोला तो सड़कों पर जनता के बीच जा पहुंचे। राहुल ने छात्रों से बात की, सड़क किनारे बैठे मोची से मुलाकात की, राहुल एक बार फिर जननायक के रूप में नजर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कभी वो संसद में किसानों को बुला लेते हैं तो कभी खुद आम जनता के बीच पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे थे। दरअसल यहां अमित शाह मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल की पेशी थी। कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाते हुए राहुल ने बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोपों से मैं इनकार करता हूं। मैं निर्दोष हूं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। एक राजनीतिक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो मेरी पार्टी और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। कोर्ट से निकलते ही राहुल की कार को छात्रों ने घेर लिया। राहुल ने कार में बैठे हुए ही उनसे बात की। छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर अपनी परेशानियां साझा की। छात्रों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस पर राहुल ने पूछा कि आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है, तो सभी छात्रों ने नीट एग्जाम दोबारा करवाने की मांग की। आगे बढ़ते हुए राहुल एक मोची की दुकान पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने मोची के परिवार से भी मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। ये पहली बार नहीं है जब राहुल यूं जनता के बीच पहुंच गए हों। इससे पहले दिल्ली के रेहड़ी मजदूरों, रेलवे के लोको पायलट से राहुल की मुलाकात ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो बुधवार को राहुल ने संसद में ही किसानों से भी मुलाकात की और संसद में उनके मुद्दे भी उठाए। ऐसे में राहुल गांधी की इस मुलाकात ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। राहुल जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे सुनते हुए अक्सर दिखाई दिए, तो उन मुद्दों को संसद में उठाते हुए भी नजर आए। राहुल ने किसानों से भी मुलाकात की थी और सरकार पर दबाव बनाने की बात कही थी, और अब उनकी बात सच होते हुए नजर आ रही है। संसद का बजट सत्र काफी हंगामेदार नजर आ रहा है, जहां लगातार बजट पर चर्चा हो रही है। इस बीच किसानों का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी दिखा तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मोदी के मंत्री पर भड़कते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को संसद में एक बार फिर किसानों का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठी। कांग्रेस सांसद एमएसपी की मांग दोहराते हुए नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी, जिसे लेकर सभापति जगदीप धनखड़ भड़क उठे। उन्होंने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को सदन से बाहर जाने को कह दिया। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए सुरजेवाला ने आज के दिन को किसानों के लिए काला दिवस बताया। उन्होंने कहा कि देश की संसद में सीधा सवाल पूछा गया कि सरकार एमएसपी कानून लाएगी या नहीं। जुलाई 2022 से 2024 तक एमएसपी कानून बनाने के लिए पीएम मोदी ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आई या नहीं। देश के कृषि मंत्री ने जवाब को नकार दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने आज संसद के पटल पर 72 करोड़ अन्नदाता किसान और मजदूर का अपमान किया है। वहीं लोकसभा में भी किसानों के मुद्दे पर तीखी बहस नजर आई। हरियाणा के हिसार से सांसद जयप्रकाश ने बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पीएम की गारंटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब कौन पीएम की गारंटी को मानेगा, किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। 2019 में डीजल का रेट 65 रुपए प्रति लीटर था, आज रेट 100 रुपए पहुंच गया है, मगर किसान सम्मान निधि सिर्फ 6,000 रुपए ही है।
यूरिया के दाम कम बढ़ाए, बाद में वजन कम कर दिया। मैं इस बजट को किसान विरोधी बजट कहता हूँ। वहीं तमिलनाडु से एमडीएम के सांसद दुरई वाइको ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के साथ सौतेला रवैया दिखा रही है। जेडीयू के ललन सिंह एक बार फिर बीजेपी से अपने गठबंधन पर सफाई देते हुए नजर आए कि हमारा ये प्री पोल अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। तो बीजेपी सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क उठे। लोकसभा में सवाल पूछने के दौरान जब उन्होंने जेब में हाथ रखकर सवाल किया तो स्पीकर ने सीधे कहा कि मंत्री जी हाथ जेब से बाहर निकाल दिया। संसद में विपक्ष ने सरकार को बुरी तरह से घेर लिया तो बीजेपी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट में कावड़ यात्रा से जुड़े नेम प्लेट विवाद पर सुनवाई हुई और एक बार फिर कोर्ट ने यूपी सरकार की मांग ठुकरा दी है। साथ ही एमपी और उत्तराखंड सरकार के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कावड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला किया है। दरअसल योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखने का आदेश दिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी और साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा था। शुक्रवार को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि ये निर्देश देने का मकसद लोगों की सेफ्टी है। यूपी सरकार ने कहा कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश पारित किया गया था, लेकिन कोर्ट ने सरकार की सारी दलीलें खारिज कर दी है और सरकार के आदेश पर रोक जारी रखने की बात कही है। यूपी सरकार ने दलील दी कि सेंट्रल लॉ फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत हर फल सब्जी बेचने वाले को नाम लिखना अनिवार्य है। ऐसे में कोर्ट का इस आदेश पर रोक लगाना इस एक्ट के खिलाफ होगा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि तो ये आदेश हर जगह लागू होना चाहिए, एक सीमित क्षेत्र में नहीं। आप एक काउंटर एफिडेविट दाखिल कर हमें ये बताएं कि ये हर जगह लागू किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एमपी और उत्तराखंड को जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की सारी दलीलें खारिज कर दी और एमपी उत्तराखंड सरकार से भी जवाबी हलफनामे की मांग कर दी है। तो कोर्ट ने जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय और दो राज्यों के राज्यपाल के सचिवों से भी मांगा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लंबित विधेयकों के मामले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किया। बता दें कि केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्यपालों की मंजूरी न मिलने की वजह से 8 से ज्यादा विधेयकों के पिछले एक साल से पास न होने के चलते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यपाल बिलों को मंजूरी न देने की कोई वजह नहीं बता रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। केरल सरकार की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल पेश हुए थे। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में मामले को लिस्ट किया गया, राज्यपाल ने विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के साथ ही दोनों राज्यपालों के सचिव को नोटिस जारी कर राज्यपालों से जवाब मांगा है। मार्च में केरल सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से कहा गया था कि चार विधेयकों को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके बाद केरल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केरल की सरकार का कहना है कि इस तरह से विधेयक लटकाने से संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। राज्यपालों के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया, जिससे केरल सरकार और बंगाल सरकार के लिए राहत के संकेत माने जा रहे हैं। तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मोदी सरकार की मुश्किलों को अग्निवीर मामले ने भी बढ़ा रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मामले में विपक्ष को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही बुरी तरह से घिर गए। विपक्ष लगातार सड़क से लेकर संसद तक अग्निवीर का मुद्दा उठाता रहा है। पिछले दिनों सदन के विशेष सत्र में भी इंडिया गठबंधन ने तमाम मुद्दों सहित अग्निवीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों सदनों में लंबे लंबे भाषण दिए, लेकिन अग्निवीर को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। वहीं अब शुक्रवार को पीएम मोदी लद्दाख पहुंचे। मौका था कारगिल विजय की 25वीं सालगिरह का। यहां पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए तमाम मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर को लेकर भी चुप्पी तोड़ी। पीएम ने अग्निवीर योजना के फायदे गिनाते हुए अपनी सरकार की ही पीठ थपथपाई। अग्निवीर का जिक्र करते ही पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को करारा जवाब दिया।
खड़गे ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है कि प्रधानमंत्री कारगिल विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे मौके पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मोदी जी कह रहे हैं कि सेना के कहने पर उनकी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी। ये सरासर झूठ है और पराक्रमी सेना का अक्षम्य अपमान है। मोदी जी साफ साफ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। अब तक 15 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को कम से कम उनकी शहादत का तो मान रखना चाहिए। देश के युवाओं में अग्निवीर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, कड़ा विरोध है। कांग्रेस पार्टी की मांग कायम रहेगी, अग्निपथ योजना बंद होनी चाहिए। खड़गे ने पीएम मोदी पर गलत दिन गलत बयान देने का आरोप लगा दिया। वैसे बीजेपी के लिए इस समय सब कुछ ही गलत होता दिखाई दे रहा है। उनके सहयोगी छूट रहे हैं, जो दल एनडीए में शामिल है उनमें टूट फूट हो रही है और सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिख रहा है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए का समर्थन करने वाली राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने इस बार अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अजित पवार की एनसीपी भी एनडीए से अलग होने के संकेत दे रही है। अजित पवार के एक बार फिर से अपने चाचा शरद पवार के साथ जाने की खबरें आ रही हैं। अजित गुट के नेता बाबा जानी दुर्रानी की एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल के साथ मुलाकात की खबरें आ रही हैं। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बाबा जानी दुर्रानी अजित का संदेश लेकर शरद पवार से मिलने पहुंचे थे या फिर वो खुद एनसीपी के दूसरे नेताओं की तरह अजित पवार को झटका देकर शरद पवार की पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, एनडीए को झटका लगना तय माना जा रहा है। वहीं अजित पवार गुट के जुन्नार विधायक अतुल बेनके के भी शरद पवार से मुलाकात की खबरें आ रही हैं। बेनके ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि शरद पवार और अजित पवार भी एक साथ आ सकते हैं। जिसके बाद बेनके समेत अजित पवार की घर वापसी की भी चर्चाएं तेज हैं। अजित पवार की घर वापसी को लेकर जब जयंत पाटिल से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। जयंत पाटिल ने भी शरद पवार के बयान को दोहराते हुए कहा कि हमने अभी इस पर फैसला नहीं किया है। साफ है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ बड़ा खेला होने की तैयारी है। बीजेपी और उसके सहयोगी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी मुश्किल तो पीएम मोदी के लिए नीति आयोग की बैठक ने बढ़ा दी है। दरअसल 8 मुख्यमंत्रियों के इस बैठक में नहीं जाने के संकेत मिल रहे हैं। ये पहली बार है कि जब नीति आयोग की बैठक में इतने ज्यादा सीएम नहीं जाएंगे। इसे सरकार की असफलता करार दिया जा रहा है। तो क्यों मोदी सरकार से नाराज दिख रही है राज्य की सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद से ही मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष तमाम मोर्चों पर सड़क से लेकर संसद तक सरकार की घेराबंदी कर रहा है। वहीं अब इंडिया गठबंधन ने विपक्षी एकजुटता का एक और उदाहरण देते हुए मोदी सरकार की नींद उड़ा कर रख दी है। बता दें कि 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना है, लेकिन इस बैठक से पहले ही तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार ने बजट का राजनीतिकरण करते हुए सहयोगी दलों के राज्यों को प्राथमिकता दी है, तो वहीं बाकी राज्यों को नजरअंदाज करने का काम किया है। जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है उसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के सिद्धारमैया, केरल के पिनरई विजयन और तेलंगाना से सीएम रेवंत रेड्डी का नाम शामिल है। विपक्ष के इस फैसले को बीजेपी की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की नहीं मानी, उसने अपने फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा था कि दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अपने नामों को नहीं लिखेंगे। हालांकि सरकार ने कहा कि 6 अगस्त आपने जो तारीख अगली लगाई है वो तो काफी देर हो जाएगी और तब तक तो कावड़ यात्रा निकल ही जाएगी। सही बात है, फिर सरकार के पास में उसी तरह की बात रह जाएगी कि कारवा निकल गया गुबार देखते रहे, उसके बाद में सरकार क्या करेगी, क्योंकि उसको आगे चुनाव में भी तो जाना है।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।